नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार यूपी की योगी सरकार पर हमला बोल रही। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने विकास के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सिर्फ मोहरा था, सरगना कौन थे ये नहीं पता चला। सुरजेवाला ने कहा कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, पर क्या सजा की आड़ में कई सफेदपोश अधिकारी, चोलेधारी व राजनेता अपराधी की जुबान बंद कर अपने राज दफन कर गए? क्या विकास दुबे का एनकाउंटर अपने आप में अनेकों सवाल नहीं खड़े कर गया? अगर उसे भागना ही था तो फिर उज्जैन मध्य प्रदेश जाकर सरेंडर ही क्यों किया? एनकाउंटर से पहले मीडिया के वो सारे साथी जो गाड़ियों में एसटीएफ की टीम के साथ चल रहे थे, मीडिया के सारे साथियों को एनकाउंटर से एन पहले रोक क्यों दिया गया? पहले कहा गया कि अपराध की संगीनता को देखते हुए विकास दुबे को मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश चार्टर प्लेन से ले जाया जाएगा। फिर क्या कारण था कि यह फैसला बदल कर सड़क मार्ग से कर दिया गया? पहले विकास दुबे को एसटीएफ की सफारी गाड़ी में देखा गया तो फिर उसे महिंद्रा टीयूवी 300 में कब और कैसे शिफ्ट कर दिया गया? विकास दुबे की टांग में लोहे की रॉड होने के कारण वह लंगड़ाकर चलता था तो वह यकायक भाग कैसे गया पुलिस की गिरफ्त से? अगर अपराधी विकास दुबे भाग रहा था तो फिर पुलिस की गोली पीठ में लगने की बजाय छाती में कैसे लगी? मौके पर मीडिया कर्मियों को गाड़ी के एक्सीडेंट होने के स्किड का कोई मार्क या निशान नजर क्यों नहीं आया या दिखा? क्या यह सही है कि पहले मीडिया को एक्सीडेंट बताया गया और फिर अस्पताल में जाकर क्या ये असल में विकास दुबे के एनकाउंटर की बजाय सफेद पोशों और आला अफसरों के राज दबाने के लिए सच का एनकाउंटर है?